गत दिवस संस्था सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति द्वारा शाहदरा आगरा में एक मुफ्त शिक्षा संस्थान आशाएं शुरू किया गया, जहां 5 शिक्षक अपने ज्ञान के जरिए लगभग 80 बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। इसी दौरान संस्था सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति के साथ ही द ब्रेव फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी शामिल हुए, जिनके सहयोग से बच्चों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। उनके द्वारा बच्चों को होली के त्योहार के लिए खाने पीने से संबंधित अनेकों चीजें वितरित की गयी, साथ ही बच्चों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गयी। संस्था सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति ने द ब्रेव फाउंडेशन के मुख्य सदस्य आयुष भाटी, जूही तिवारी आदि अन्य सदस्यों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी, साथ ही उनके आने से बच्चों के भीतर जो उत्साह देखने के लिए मिला उसका धन्यवाद ज्ञापन किया। संस्था सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति में सभी सदस्य मौजूद रहे। मुख्य सलाहकार श्रीमती कौशिकी सौंदी जी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही। कोषाध्यक्ष अनिल, सदस्य लोकेश, रईस खान आदि उपस्थित रहे। संस्था ने कौशिकी सौंदी, अनिल सोनी सभी लोगों का दिल से धन्यवाद ज्ञापन किया और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। इस समय मैं आगरा में होली पब्लिक गर्ल्स स्कूल में एज अ प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं भारत यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंटरनेशनल इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी साथ में कर रही हूँ। और 11 संस्थाएं और काम कर रही हूँ और सोशल जस्टिस और बाकी पार्ट है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी एज अ इंटरनेशनल स्पीकर। और मैं सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति मध्य प्रदेश आगरा में रोहित जी हैं, उनके रोहित कुमार जी के साथ काम कर रही हूँ, जिनमें हम छोटे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर जो है ध्यान रखते हैं, उनकी जो व्यवस्था है उनका ध्यान रखते हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज को लेकर और बाकी की पढ़ाई को लेकर, उनके कैसे नजरिया है जिंदगी को लेकर, उनके ऊपर सारा हमारा योगदान रहता है, जिसमें काफी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जिनमें से मैं भी हूँ एज अ एडवाइजर जो है। और इस समय आज हमने आशाएं करके जो कि सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति ने शुरू किया है, ब्रेक के साथ हमने एक आयोजन किया है जहाँ पे हम लोगों ने स्कूल की व्यवस्था की है, जहाँ छोटे बच्चे भी पढ़ाई मिले, अच्छा व्यवहार मिले, अच्छी बातें मिले, मिले तो आने वाले समय में इनमें से कोई बच्चे जो है आगे चल के अपनी जिंदगी को अच्छा कर पाए, करियर में आगे बढ़े। आज प्रोग्राम क्या रहा है? ये प्रोग्राम हमने बच्चों के लिए इसलिए कभी ऑफिस में जहाँ पर कोई आसानी है हॉस्पिटल पर लेकर पढ़ने के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल है आशा का बच्चों को हर कोई आसानी, ये लोग कुछ सुविधाएं और उन खुशियों तक नहीं पहुँच पाते हैं, बाहर बच्चे ले पा रहे हैं, बस हमारा ये होली हम बच्चों के लिए यादगार बनाएं, थोड़ी सी खुशियाँ बांटे, जैसे कि कला सपनों का त्यौहार।